हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ह्यूमन वैल्यू की जो आपकी एक किताब है जिसको आप बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, उसके एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें, कैसे निकालें। आपका एग्जाम हमको पता है, आपका जो एग्जाम है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला एग्जाम जो है वो है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, सेकेंड जो है वो फिर माइक्रोबायोलॉजी है, और थर्ड जो है वो है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स। यही वो किताब है। और आपको मैं बता दूं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है और जो ये ह्यूमन वैल्यू, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आज ह्यूमन वैल्यू का पेपर, आज माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दिया और कल तुरंत क्या है, ह्यूमन वैल्यू का पेपर है, तो कोई टाइम गैप भी नहीं है। तो कैसे तैयारी करें हम ह्यूमन वैल्यू की, आज हम इसी बारे में आपको बताने वाले। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था, काफी बच्चे डिप्रेस हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, चिंता है, वेरी टेंशन में जा रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आज हम बता रहे हैं आपको क्या तरीके हैं, ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करो और आप बहुत ही अच्छा नंबर पा जाओगे, बहुत आसानी से नंबर निकाल सकते हैं आप ह्यूमन वैल्यू में। तो आपको, मुझे पता है कि पूरे जो भी कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस वगैरह होती हैं उसमें ह्यूमन वैल्यू के लिए कोई टीचर आते ही नहीं पढ़ाने, कोई भी टीचर आएगा आपको पढ़ा के चला जाएगा। हम लोग के साथ भी यही हुआ है, ठीक है, हम लोग के साथ भी क्या हुआ है, यही हुआ था कि क्या कि टीचर्स आते थे, बोलते थे देखो हम लोग इसके प्रोफेशनल टीचर नहीं है, आपको कुछ बता दे रहे हैं, बस ये सब चीजों को याद कर लो, आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या और कैसे निकाल सकते ह्यूमन वैल्यू, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कैसे आप निकाल सकते हैं। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ, सुनो क्या करना है। मैंने आपको, मैंने मान लो एक टॉपिक पढ़ा है जस्टिस के बारे में, और मैं बता दूं कि जस्टिस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, और सीधे 10 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो मान लो आपको मैंने जस्टिस के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है, और जस्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे, आपके सामने पूछ दिया, उसमें आपके सामने क्वेश्चन भी बन रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जस्टिस से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन ऊपर लिखे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस का ह्यूमन रिलेशनशिप से क्या रिलेशनशिप है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, बस मैंने जितना जस्टिस के बारे में पढ़ाया हुआ है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा यही डिट्टो उठा के वहां पर क्या कर देना है, छाप देना है। देखो, गाना लिखने से अच्छा है कि हम उसमें जस्टिस के बारे में ही सही कुछ लिखे, वो जो बंदा, जो किताब, जो कॉपी आपकी चेक करेगा, जो जांचेगा, उसको लगना भी तो चाहिए कि हाँ बंदे ने कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो उसको अटैचमेंट लगेगा ना, यहाँ जस्टिस के बारे में ही लिखा गया है। तो वो क्या करेगा, 10 में से 10 तो नहीं देगा आपको, लेकिन 10 में से 6 या 6 मार्क्स आपको आराम से दे देगा। और आप यही काम हर क्वेश्चन के साथ अगर आप करते आ रहे हो तो आपके लिए बहुत आसानी से आप इस चीज को निकाल सकते हो। काफी आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं नोट्स दूंगा, नोट्स इतना सिंपल होगा, सिर्फ आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, केवल रिपीट करना है, सारी चीजें अपने दिमाग में स्टोरी की तरह बैठानी है, सब कुछ चीजें बहुत आसानी से आपको क्या होगी, याद हो जाएगी, आप बहुत ही आसानी से उस चीज को याद कर सकते हो। काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान होगा, और मैं जो नोट्स होते हैं वो मैं ध्यान में रखता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इतना सिंपल लिखूं उस चीज को कि सामने वाला बंदा सिर्फ 1 बार 2 बार पढ़े, और अगर भूल भी गया तो हाँ उसको तुरंत स्टोरी याद करके उस चीज को वहां पर लिख सकता है। तो काफी सिंपल शब्दों में आपको नोट्स देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारा, अब मैं आपको जो आने वाले वीडियोस होंगे, मेरे तमाम तरह के वीडियोस हैं, जैसे अभी जस्टिस पे मैं आपको बताऊंगा, जस्टिस के बाद अफेक्शन पे वीडियो आएगा, इसने है, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे पूछेंगे, जो भी पूछेगा मैं जितना आपको अफेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसने प्यार, ये सब चीजें हैं, इनके बारे में जितना भी बताऊंगा आपको, बस उतनी चीजों को याद रखो, क्वेश्चन को भी पूछे हेडिंग वही डालना है आपको, जो आपके क्वेश्चन में आया हेडिंग वही डालो और लिखो उसके अंदर आप जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ध्यान से हेडिंग वही लिखना जो क्वेश्चन ने पूछा है, ये नहीं कि हेडिंग में जो बताया वही डाल दो, नहीं, हेडिंग जो पूछ रहा है वो डालो और लिखो जो मैंने बताया, ठीक है। आप इतना ये काम करोगे आप आराम से ह्यूमन वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। डिप्रेशन में जाने की, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फालतू कितना टेंशन ले रहे हो, जो कॉपी चेक करता है उसको भी पता है कि भैया इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेकर नहीं चेक करना है, बच्चे को उतना ज्यादा इसको अच्छे से नहीं पढ़े हुए, सब जानते हैं, इसीलिए तो टाइम का गैप उसने नहीं दिया हुआ है, इसीलिए तो आपको इतना ज्यादा गैप नहीं दिया, उसने सीधे माइक्रोबायोलॉजी का सीधे ह्यूमन वैल्यू का पेपर ले लिया, इस चीज को ध्यान रखते हो, क्योंकि वो जानते हैं ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस बच्चे दे नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जरूर, कम से कम आपको 1 दिन का गैप तो जरूर देते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं किया है। तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं नोट्स दूंगा, उसको आप लिखना है वहां पर लिखिए, बहुत आसानी से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अब डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब तक आप हो
जब तक मैं हूँ, जब तक आप हो, आप हमारे साथ जुड़े रहो, बस आप सब के सब पूरा बिफार्मा क्लियर करते चले जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा ह्यूमन वैल्यू का ही। आपको मैं ह्यूमन वैल्यू पूरी तरीके से तैयार करा दूंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ कि क्या तकलीफें आपको आ रही, क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। हमको पता है कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको स्टूडेंट के लेवल से सोचना भी चाहिए। अगर हम टीचर के लेवल से सोचेंगे तो हम आपको नहीं समझा पाएंगे, कभी नहीं। आपको अगर पढ़ाना भी है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि इस चीज़ का दिमाग में ध्यान रहता है मेरे, कहाँ मुझे स्टूडेंट्स के लेवल से सोचना है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही समझ सकता है दूसरे स्टूडेंट की तकलीफ। अगर आप डॉक्टर हो और डॉक्टर अगर पेशेंट को डॉक्टर की नज़र से देखे, अगर डॉक्टर डॉक्टर लगे कि हम डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को देखें, तो हम उसका इलाज इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमको किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए पहले पेशेंट की तरफ सोचना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर ये चीज़ हम समझ जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस चीज़ का दिमाग में मैं अपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखता हूँ, इसलिए आप मेरे नोट्स देखे होंगे। जो मेरे नोट्स होते हैं वो इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप हार्ड लैंग्वेज में याद कर ही नहीं पाओगे। तो उस जब हार्ड लैंग्वेज याद ही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा ऐसा नोट्स देने का आपको। इसे नोट्स को इतना सिंपल लिखो, इतना सिंपल लिखो, 2 मार्क्स कभी मिलेगा मुझे, लेकिन आपको बहुत आसानी से स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसानी से आप हर चीज़ों को, हर नोट्स देख के आप हर चीज़ों को तैयार कर सकते हो। कुछ चीज़ों का मैंने नोट्स नहीं दिया होगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका तैयारी पर्सनल भी करा सकता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।